हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैप के बारे में, जो कि मेरा कभी कभी नेविगेशन जो चालू रहता है ऐसा प्रॉब्लम आता है, सर्चिंग फॉर GPS लिख देता है, कोई नेविगेशन काम नहीं करता है। अगर सामने आपका लोकेशन दिख रहा है, आपको सामने चली भी जाइएगा, आपको सामने और सामने दिखाएगा, वो काम आपका नहीं करेगा। इसलिए हम लोग आज उसके बारे में बात करते हैं। कभी कभी सिग्नल लॉस्ट होके मतलब आवाज़ आता है, एक बात याद रखिएगा। इसके लिए हम लोग क्या करना है, सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद आपको सर्च लिस्ट में आपका सर्च करना है मैप, मैप के बारे में अपना सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपका मैप सामने में दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपके फ़ोन में कोई आपका मैप अपडेट मांग रहा है तो आप अपना अपडेट कर दीजिएगा। मेरे फ़ोन में पहले से ऑलरेडी अपडेट हुआ है, इसलिए मेरा अपडेट नहीं मांग रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं मैप के बारे में, मैप के ऊपर। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, मैप्स जो मेरे को सामने में जो मेरा मैप्स जो दिख रहा है इस पर मेरे को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस करके रखने के बाद इस मेरे को इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जो कि आपको सामने में दिख रहा है ऐप इन्फो, इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, फोर स्टॉप जो आपको दिख रहा है, फोर्स स्टॉप, इस पर आपको क्लिक करना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद आपको रेड कलर में राइट साइड में फिर से नीचे में मांग रहा है फोर्स स्टॉप, इसको आपको फोर्स स्टॉप कर देना है। करने के बाद इस तरह उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन आता है स्टोरेज, सामने में आपको दिख रहा है स्टोरेज, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे में राइट साइड में आपको दिख रहा है क्लियर कैच, आपको क्लियर कैच पे क्लिक करना है। क्लियर कैप पर आप क्लियर कैच पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग थ्री वाला ऑप्शन जो है हम लोग को आ रहा है क्लियर डाटा, आप लोग को राइट साइड में ऊपर में आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियर डाटा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रेड कलर का इस तरह का ऑप्शन आएगा राइट साइड में क्लियर, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरा फिनिशिंग हो गया। अब चलेंगे हम अपना मैप में। सबसे पहले अपना मैप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मेरा मैप ओपन हो गया। अब हम लोग को सर्च करना है, जहाँ पे हम लोग को जाना है उसको आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको डिस्टिनेशन राइट लेफ्ट साइड में आपको नीचे में दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है नीचे में, आप देख पा रहे होंगे, स्टार्ट कर दीजिए। आपका GPS ऑन हो गया, आपका लोकेशन सही तरीका से चलेगा। Head east for Dr. Girendra Sekar Bose Road, then turn left onto Dr. Girendra Sekar Bose Road. अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कीजिएगा, आपका बिल्कुल मैप जो है Take the next left onto Dr. Girendra Sekar Bose Road, then turn left onto Bondale Road flyover. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।